हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राकेश बड़ोला आज आपको हिंदी विषय के एक टॉपिक पर व्याख्यान दूंगा। टॉपिक जैसा आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है आदिकाल की विशेषताएं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य को प्रथम इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार भी कहते हैं। तो इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जब विकास लिखना प्रारंभ किया तो इन्होंने उसके इतिहास को चार कालों में विभाजित कर दिया था। कौन कौन से वो चार काल थे? पहला था उसी में आदिकाल, इसको प्रारंभिक काल या वीरगाथा काल भी कहते हैं। फिर था पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल जिसको कहते हैं। फिर था उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, और चौथा था आधुनिक काल या गद्यकाल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन कालों को जब बांट दिया तो सबसे पहले बात आई आदिकाल। शुरू शुरू में जो आदिकाल नाम रखा गया है वो भी बहुत विवादास्पद था, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो ये आदिकाल है, जो प्रारंभिक काल है, इसके लिए उन्होंने 12 पुस्तकों में जो भी प्रवृत्ति उनको देखने को मिली, उस प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने इसका नाम आदिकाल रखा। वो प्रवृत्तियाँ जैसे रासो ग्रंथ में थी, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो। दूसरी और प्रवृत्ति और थी, जैसे और पुस्तकें थी, जैसे जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, कीर्ति पताकर। इस तरीके से कुल जो है 12 पुस्तकों थी जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नाम आदिकाल और फिर इसको वीरगाथा काल भी कहा। वीरगाथा काल में कि इसके बारे में, वीरों के बारे में इस समय जो है कई बातें कही गई थी। इस तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको जो है विभाजित किया, हिंदी के कालों को जो है विभाजित किया। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की। आदिकाल की विशेषताओं की हम बात करते हैं। देखिए, वीरगाथा काल या आदिकाल ये जो है 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक रहा था। इसकी विशेषताएं क्या थी? इसकी सबसे पहली विशेषता आप देख रहे हो रासो ग्रंथ की रचना। जैसे हमने अभी पीछे आपको बताया था कि जो उन्होंने रचनाएं, जो पुस्तकें थी, उसमें रासो ग्रंथ जो है वो बहुत थे। जैसे विजयपाल रासो, हमीर रासो, वीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कुमार रासो, इस तरीके। तो ये जो सभी ग्रंथों का नाम जो है हम देख रहे हैं कि रासो रहा था, क्योंकि ये काव्य के पर्याय के रूप में उस काल में जो है प्रधान काव्य प्रवृत्ति बन चुकी थी। अब रासो में काव्य का जो मूल था वो क्या था? रासक नामक छंद। ये जो रासो ग्रंथ है, इन ग्रंथों में रासक नामक छंद के प्रयोग की बहुलता थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक विशेषता आदिकाल की यह रही रासो ग्रंथ की रचना। दूसरी विशेषता है ऐतिहासिकता का अभाव। अब ऐतिहासिकता के अभाव को किस तरीके से समझेंगे कि जो ये काल था आदिकाल, इसमें जो भी काव्य ग्रंथ मिले उनके जो चरित्र नायक थे, जो हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर, जो उनको कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, वो निसंदेह ऐतिहासिक हैं। लेकिन उनके जीवन से संबंध, डेट जो है, तिथि जो है, घटना जो है, या घटनाकाल का इतिहास जो है, वो सर्वसम्मत नहीं था। कवियों की अपनी कल्पना, अपनी शैली ने उन फैक्ट्स में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया था। जैसे उस समय हमने सुना था पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो के चरित्र नायक जो पृथ्वीराज चौहान को उन राजाओं पर विजयश्री प्राप्त करने वाला बताया गया जो चौहान से बहुत समय पूर्व थे या उसके बहुत बाद भी रहे हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि इस काल की रचनाओं में ऐतिहासिकता का अभाव और कल्पनाओं की प्रचुरता
देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता है युद्धों का सजीव विवरण या वर्णन। इस काल की स्थिति जो है वो युद्ध से आक्रांत थी। जो भी राज्य थे उस समय सभी राज्यों में परस्पर आंतरिक कलह, बाहरी आक्रमण, आतंकपूर्ण स्थितियां, ये सब बनी रहती थी। इसलिए इस काल के कवियों ने अपने ग्रंथों में युद्ध का बहुत अत्यंत सजीव वर्णन किया है। यानी हेडिंग को देखते हुए आप उसके अंदर के लिखने वाले मैटर को तुरंत समझ जाएंगे। जैसे आपने देखा है कि वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल में युद्ध ही हुए होंगे क्योंकि वीरों की बात है, और युद्धों का सजीव वर्णन में हम इस चीज को डाल सकते हैं कि उस समय जो है बहुत ही आक्रमण की स्थिति थी, आतंकपूर्ण स्थितियां थी, और उस समय अपने ग्रंथों में कवियों ने बहुत ही सजीव युद्ध का वर्णन किया था। इस तरीके से आप इस हेडिंग्स के अंदर लिख सकते हैं। अगली विशेषता है संकुचित राष्ट्रीयता। जो इस काल के अधिकांश कवि थे वो राज्यों पर आश्रित थे। अब जब वो राज्यों पर आश्रित थे तो जो उनके आश्रयदाता थे उनकी प्रशंसा करना उनकी मजबूरी भी बन जाता था। अब उनकी प्रशंसा के लिए उन्होंने काव्य ग्रंथों की रचना की और अपने जो आश्रयदाता थे उनको केंद्र मानकर उनका यशोगान किया, उनके युद्ध अभियान का ही उल्लेख करना उन्होंने अपना धर्म बना लिया। तो जब आप केवल किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में जिसने आपको आश्रय दिया है उसी के बारे में सब कुछ लिखे जाएंगे तो उससे यही तो पता लगता है कि भाई आपकी जो राष्ट्रीयता है वो बहुत संकुचित है। आप केवल उसी के बारे में बात करते हैं जिसने आपको आश्रय दिया। अगली विशेषता है वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। जैसे इसका नाम भी है वीर गाथा काल, तो इस काल रचनाओं में वीर रस की और श्रृंगार रस का अद्भुत योग मिलता है। वीर रस के लिए युद्धों की सजीवता का उदाहरण देखने को मिलता है, युद्धों के मूल में राज्य विस्तार की अपेक्षा देखने को मिलती है। इनमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है जिसके रूप में सौंदर्य का उल्लेख देखने को मिलता है, और सौंदर्य का उल्लेख कवि द्वारा अपने आश्रयदाता के सम्मुख किया गया है, तथा जो आश्रयदाता था उसके सामने युद्ध के अलावा उसे प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं रह जाता था। इसलिए वो वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस की भी बातें इस काल के दौरान किया करते थे। अगली विशेषता के बारे में चलते हैं, काव्य रूप। इस काल में काव्य के दो प्रयोग लिए गए, एक मुक्तक काव्य रूप और दूसरा प्रबंधात्मक काव्य रूप। इन शब्दों को ध्यान रखिएगा, मुक्तक काव्य रूप और प्रबंधात्मक काव्य रूप। इन दोनों के अंदर ही जो वीर गाथात्मक और प्रेम गाथात्मक काव्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। काव्य रूपों की विविधता देखने को बहुत मिलती थी इस आदिकाल के समय में। अगली विशेषता आती है छंदों की विविधता। अभी हमने काव्यों की बात करी, अब हम बात करते हैं छंदों की विविधता। यानी इस काल के कवि ने मुख्यतः जो यश गान किए थे, जो वीर गाथाओं की रचना की है, उसमें अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। इस कालखंड में दोहा, तोटक, तोमर, गादा, उलाला, रासो, ये आदि जो छंद थे इनका बहुत ही कलात्मकता के साथ इस काल के कवियों ने उस समय प्रयोग किया, और इन छंदों में परिवर्तन भाव उद्योतन के लिए समय समय पर किया गया है। उसी समय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि पृथ्वीराज रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंग के अनुकूल नवीन कंपन उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल में छंदों की विविधता देखने को मिलती है। अगली विशेषता है इसकी अलंकार योजना। अलंकार योजना
यानी इस काल के जो काव्य ग्रंथ थे उसमें कौन कौन से अलंकार देखने को मिलते हैं, रूपक अलंकार आप देखेंगे, उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अतिशयोक्ति किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग अधिकतर इस काल के कवियों ने अपनी काव्य रचना में किया है। इस काल के जो हम अगर महत्वपूर्ण कवियों की बात करें, अब्दुल रहमान, चंदर बरदाई, दलपत विजय, जिंदत सूरी, धर्म सूरी, ये सब इस काल के प्रमुख कवियों के अंतर्गत इनके नाम आते हैं। अगली विशेषता इसमें देखने को मिलती है लोक जीवन से असंबद्धता। जो इस काल के कवि मूलतः राज्यों पर आश्रित कवि थे, इसलिए वो सामंती वातावरण में ही रहते थे, और जैसे हमने पहले भी बताया कि वो अपने आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे या उसे अपने काव्य कौशल से रिझाने की कोशिश करते थे। इसलिए इन कवियों का सृजन स्वांत है, सुखाय और राजा के लिए रहा, तथा उसमें जनजीवन या लोक जीवन की असंबद्धता मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने आदिकाल के बारे में पढ़ा। अगर आदिकाल से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप जो है आदिकाल के बारे में थोड़ा सा लिखकर, उसकी हेडिंग डालकर, विशेषताओं को डालकर आप इनको उसमें लिख सकते हैं। और कुछ तो ऐसा है जैसे छंदों की विविधता, ये तो आप किसी भी उसमें डाल दीजिए कि छंदों की विविधता रही, अलंकारों की विविधता रही, प्रकृति चित्रण रहा, इसमें ये भी डाल सकते हैं आप। संदिग्ध रचनाएं, कुछ इस समय इस काल में संदिग्ध रचनाएं भी देखने को मिली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो विस्तृत प्रश्न आए, अगर कोई भी विस्तृत प्रश्न आता है हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके काल विभाजन से रिलेटेड, तो आदि काल को ध्यान में रखते हुए इन हेडिंग से आप अपने प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आज के इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में अगला कोई काल लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं राकेश बड़ोला आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, हमारे कॉलेज के चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की गई है उसको आप देखते रहें, उससे आपको इन एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत सहायता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।